सबको मुख्तसर वक्त दिया है, मौलाना छोड़ दी हो गया ठीक है, कुर्सी की जरूरत नहीं है मौलाना, बात कर लेते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا हुजूमे बुलबुल हुआ चमन में, हुजूमे बुलबुल हुआ चमन में जो गुल ने किया जमाल पैदा, कमी नहीं कदरदां की अकबर करे तो कोई कमाल पैदा। वाकया यह है हजर शेख मोहम्मद यूनुस साहब नवरल्लाहु मरकदहू की मोहब्बत और इश्क में अहले इल्म की इतनी बड़ी तादाद यहाँ जमा हो चुकी है। मैं हजरत का शागिर्द नहीं हूँ, हजरत की हजरत मेरे असातिज़ा के तबके से ताल्लुक रखते हैं और बचपन से ही मेरा ये खास मिजाज रहा कि जो अकाबिर मेरे असातिज़ा के तबके से ताल्लुक रखते हों, चाहे मैंने उनसे एक हर्फ भी न पढ़ा हो, तो भी मैं उनके साथ असातिज़ा वाला अदब व एहतराम करता हूँ। हज़रत शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब नवरल्लाहु मरकदहू की खिदमत में बहुत सारे रमज़ान गुजारने की अल्लाह तबारक व तआला ने सआदत अता फरमाई। तो सहारनपुर के उस क़याम के अंदर, वैसे रमज़ान से भी, रमज़ान शुरू होने से 15 दिन पहले अजीब उस वक्त तबीयत के ऊपर ऐसा एक जुनून सा सवार था, छुट्टी हुई नहीं, मदरसे की टिकट बनाकर सहारनपुर पहुंच गए हजर शेख रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में। एक मिजाज सा बना, कहीं और जाने का जी नहीं होता था, यहाँ तक के जब मेरी शादी हुई 25 शव्वाल को शादी हुई थी और मैं 28 को तो सहारनपुर जाने के लिए निकल गया। लोग कहने लगे ये क्या बात है, मैंने कहा बीवी तो कहीं जाने वाली है नहीं, हजर शेख पता नहीं कब तक हजरत से इस्तीफादे का मौका मिले। तो बहरहाल जब भी सहारनपुर का क़याम होता था तो हजरत शेख मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब नवरल्लाहु मरकदहू की खिदमत में हाजिरी की नौबत आती रहती थी और हजरत भी बड़ी शफकत फरमाते थे। मैं बहुत से सवालात एतराजात करता, हजरत ने मेरा नाम रखा था लक्कड़ पत्थर हनफी, जब भी मैं जाता यही कहते ये लक्कड़ पत्थर हनफी आ गया, और कोई सवाल करता तो हजरत जवाब नहीं देते थे। तो खैर बहरहाल बड़ी शफकत फरमाते थे, आखिर में तो फिर हजरत से डर लगने लगा, इसलिए ज़्यादा जो है बेतकल्लुफी भी इसे पेश नहीं आता था और हाजिरी भी कम कर दी थी, कहीं नाराज़गी हो जाए वो हमारे लिए वबाले जान बन जाए। बहरहाल हजरत को पहले से देखा अपने हुजरे के अंदर, बस हमेशा मुताले में मशगूल। ये जो मकाम अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाया, वाकया ये है कि ये चीज़ यूं ही हासिल नहीं होती, ये जो कुर्बानियाँ दी जाती हैं लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ ये कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाती, उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जो नवाजा जाता है वो बाद में नज़र आता है लोगों को। हजरत शेख नवरल्लाहु मरकदहू, हजरत
शाह अब्दुल कादरी साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का मकूला नकल करते थे कि जो हमारी इब्तिदा देखे वो कामयाब और हमारी इंतहा देखे नाकाम। हकीकत यह है कि हज़रत शेख मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म के लिए जो कुर्बानी दी है और जो मेहनत की है, जिन लोगों ने आपको देखा है मेहनत करते हुए, वही उसको समझ सकते हैं। 24 घंटे यूं समझिए किताबों ही में आप मशगूल रहते थे, यहाँ तक कि वो आखिरी अशर नहीं पूरे रमजान का, कभी कभी आखिरी अशर के एहतिकाब में वहाँ हज़रत शेख के यहाँ होते थे तो भी वहाँ भी ज्यादातर किताबों ही का मुताला रहा करता था। तो बहरहाल हज़रत का एक खास मिजाज था, और वो एक मिजाज ये भी, कोई बात किसी किताब में देखी, चाहे वो हाफिज इब्न हजर ने लिखी हो या अल्लामा आइनी ने, तो हजरत को ये जुस्तजू होती थी कि हाफिज इब्न हजर ने ये बात कहाँ से ली, अल्लामा आइनी ने ये बात कहाँ से ली, फिर उन्होंने जहाँ से वो तलाश करते थे, वो जब मिल जाता था तो फिर आगे कि भाई अल्लामा नववी से उन्होंने ली है, फिर अल्लामा नववी ने कहाँ से ली। बहरहाल उस बात को आखिर तक पहुंचाते थे, उसके सारे गोया माखिज और मराजे को हजरत तलाश करते थे। इस तलाश में कभी कभी दो दो तीन तीन दिन रातें गुजर जाती थी, लेकिन थकते नहीं थे। और जो है अपने हवाशी के ऊपर लिखते थे, हजरत के पास जो मिशकात थी वो लतीफ़ा, तो हमारे दूसरे अहबाब भी जानते हैं, अभी गुज़श्ता साल या अगले साल जब हजरत साहब हजरत तशरीफ लाए थे यहाँ ये खरोड़ आने के लिए, और वहाँ सूरत में क़याम था मौलाना यूनुस रंदेरा साहब के मकान पर, मैं मिलने गया तो हजरत ने जो है अपनी आदत शरीफा के मुताबिक कहा, देखो ये आया है, इसने एक मरतबा मुझे कलम दिया, और फिर दो दिन के बाद मुझसे आकर कहता है, हजरत वो आपकी मिशकात जो है उस पर आपने जो नोट्स लिखे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसको नकल करूं। हालांकि मेरे दिल में तो ये ख्याल भी नहीं था कि मैंने ये कलम दिया है, इसलिए मैं ये बात ये मुतालबा कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं। लेकिन हजरत ने फौरन कहा, हाँ वो कलम दे गया है इसलिए ये मांगता है तुम्हारा। और वो चीज़ बराबर मौका पर मौका हजरत लोगों को सुनाते रहते थे। बहरहाल ये मोहब्बत की बात है, हजरत मोहब्बत फरमाते थे, और जब सलाम भेजता तो भी हजरत दुआएं दिया करते थे। बस हजरत की एक बात नकल करके मैं अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ। हजरत ने एक मरतबा फरमाया, हमारे एक दोस्त ने यह बात नकल की, मैंने बराह रास्त नहीं सुनी, कि हजरत फरमाते थे कि एक मरतबा में हजरत शाह मोहम्मद असदुल्लाह साहब दामत नवरल्ला मरकदह के कमरे में बैठा हुआ था, और वहाँ हजरत मौलाना शाह बराउल हक साहब नवरल्ला मरकदह और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब नवरल्ला मरकदह भी मौजूद थे। और अचानक मेरी जबान से निकल गया कि मैं हदीस इस इस्तेज़ार के साथ पढ़ाता हूँ कि बातें तो उनकी हैं जबान मेरी। जब ये इन तीनों बुजुर्गों ने ये बात सुनी तो तीनों रोने लगे, और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब नवरल्ला मरकदह तो फरमाने लगे कि हदीस पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, मगर इस इस्तेज़ार के साथ पढ़ाने वाले कहाँ, और देर तक रोते रहे। हकीकत तो यह है, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो आदमी इस इस्तेज़ार के साथ हदीस पढ़ाता होगा, फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या कुछ न नवाजा जाता होगा। तो बहरहाल ये जो कबूलियत है, जैसा कि अभी हजरत मौलाना सुफियान साहब जीदा मजदूम ने फरमाया था, ये कबूलियत भी यूं ही हासिल नहीं होती, उसके लिए भी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। और आपकी इब्तदाई ज़िंदगी तो बड़ी जो है वो ऐसी मशगूल रही मुताले वगैरह में और गुमनामी की, लोग ज़्यादा जानते नहीं, बहुत से तो वहाँ सहारनपुर में पहुँच जाते थे, उनको पता भी नहीं चलता था हजरत शेख नवरल्ला मरकदह हजरत शेख यूनुस साहब के कमरे का। बहरहाल ये हम लोगों के लिए बड़ा सबक है, ख़ास करके हमारे इस जदीद और नौजवान फजला की खिदमत में ये वाक़या इसलिए ज़िक्र किया
कि भाई जरूरत है कि हम अपने आप को इल्म के लिए जो है फना कर दें कि और जो है उसके लिए ऐसी मेहनत करें तो अल्लाह तबरक ताला के यहाँ ये मेहनत जरूर कबूल होगी। अस पे इल्म चूं शमा बायर गुदाख के बे इल्म न तवा खुदारा सनाक, वो पहला मिसरा मेरे पेश नज़र है कि अस पे इल्म चूं शमा बायर गुदाख के इल्म के पीछे शमा की तरह पिघलना चाहिए। ये कैफियत अगर हो जाए तो अल्लाह तबरक ताला नवाजते हैं। अल्लाह तबरक ताला हजरत की मराती बुलंद फरमावे और हम लोगों को हजरत की ज़िंदगी के हर हर जुज़ से इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।